बहुत दिन से लगातार युवाओं के कमेंट आ रहे थे, सर करियर बताइए, सर मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं आईएएस नहीं बनना चाहता, मैं आईपीएस नहीं बनना चाहता। कई लोग बोलते थे मैं बन नहीं सकता, कुछ कहते थे सर कुछ ऐसा बताइए कि आसपास रह के घर के ही काम हो सके, कुछ कहते थे सर मेरे माता पिता अकेले हैं, मैं छोड़ के कहीं जा नहीं सकता इसलिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। कुछ लोगों ने बोला सर बीई कर चुके हैं तो भी सैलरी 10-20 हज़ार की मिल रही है। आज मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसे पैरेलल कैरियर्स बताना चाहता हूं जिनसे आप अपने मन की कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं, अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे कर सकते हैं। आइए एक के बाद एक कुछ करियर की बात करते हैं। तो सबसे पहला करियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। साथियों जितनी भी कंपनीज है, जितने भी कॉरपोरेट्स है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, यहां तक कि हम जैसे लोगों के जितने लोग सेमिनार्स और प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं, हम सबको आज एक सलाह देते हैं कि आप अपना एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखिए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पेमेंट कहां से स्टार्ट होती है? लगभग 20 हज़ार से उसकी पेमेंट स्टार्ट होती है, जो कि स्टार्टिंग में 30 भी मिल सकती है, 35 और 40 तक भी जा सकती है आपकी योग्यता और सीनियरिटी को देख के। आपको क्या आना चाहिए? आपको थोड़ी इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग आनी चाहिए यदि आप बड़े शहर में एम्प्लॉय हो रहे हैं, और यदि आप छोटे शहर में हो रहे हैं तो थोड़ा कम भी चलेगा। आपका स्पीकिंग स्किल आना चाहिए, आपके पास टेलीफोन एटिकेट्स होना चाहिए, आपके पास थोड़ा राइटिंग स्किल होना चाहिए, और आपके पास बॉस से सुन के काम करवा लेने का स्किल होना चाहिए। आपको बॉस से जुड़े सारे फोन कॉल उठाना है, बॉस कब मिलेंगे, बॉस का कब अपॉइंटमेंट है, बॉस की ट्रेन की टिकट, बॉस की फ्लाइट की टिकट, बस इतना मैनेज करना है। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसका वर्ल्ड ओवर कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, जिसको किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप एक ग्रेजुएट हैं तो भी ये 4-5 चीजें सीख के, छोटी छोटी रीडिंग राइटिंग टाइपिंग छोटी छोटी स्किल सीख के आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन सकते हैं। हर बॉस को दरकार है 100 चीज का लोड मेरे ऊपर आने की जगह मेरे आगे एक आड़ खड़ी हो जाए, जो आड़ मेरे तक आने वाले सारे मैसेजेस को रोक ले और मुझे जितना बोलना है मैं उसको बोल दूं, वो आगे 10 लोगों तक पहुंचा दे, मेरा डेलीगेशन का काम उसके थ्रू हो जाए और मेरा फीडबैक का काम उसके थ्रू हो जाए। दूसरा करियर सोशल मीडिया मैनेजर। आज एक छोटी से छोटी एंटरप्राइज को भी फेसबुक मैनेज करना है, उसको इंस्टा पे प्रचार करना है, उसको यूट्यूब पे प्रचार करना है, उसको गूगल एड्स डालनी है, उसको 100 चीज डालनी है, ये सब काम में नॉर्मल यंगस्टर बिना किसी डिग्री के महारथी है। उसको मैथ्स आए ना आए, उसको साइंस आए ना आए, लेकिन उसको सोशल मीडिया जरूर आएगा। आज छोटी छोटी एंटरप्राइजेस को सोशल मीडिया मैनेजर्स की जरूरत है। आप अपनी एक छोटी सी फर्म बनाओ, फर्म भी प्रोप्राइटर बन के बना लो, छोटा सा आपको गुमाश्ता का लाइसेंस चाहिए और कोई बड़ी चीजें नहीं चाहिए, कोई बड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। आपको ऑलरेडी यूट्यूब आता है, आपको ऑलरेडी FB इंस्टा लिंक्डइन सब आता है, ज्यादा से ज्यादा है तो थोड़ा इमेज बनाना सीख लीजिए, ग्राफिक बनाना सीख लीजिए, जिससे किसी की फेसबुक पे पोस्ट करना हो तो आप कम से कम ग्राफिक बना के डाल सकें। ग्राफिक के कोर्सेज 25,000 50,000 लाख रुपए में होते हैं। नहीं कर रहा हो कोर्स तो YouTube से देख के सीख लो, जीरो इन्वेस्टमेंट में सीख लो, कल सुबह से काम चालू कर लो, दो दोस्त मिलके काम चालू कर लो, एक मार्केटिंग संभाल लेगा, एक बैकएंड संभाल लेगा, और बहुत मजे से एक एक ऑर्गेनाइजेशन से लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया तक का सालाना टाई अप होता है। ये मैं सबसे बेसिक लेवल पे बता रहा हूं। 10,000-8,000 रुपया पर मंथ आपको एक एक ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है। ऐसे आप 10 ऑर्गेनाइजेशन रखिए, जिस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे, जिस तरीके से आप अपनी पब्लिसिटी करेंगे, धीरे धीरे आपका रिजल्ट बढ़ता चला जाएगा। मजे की बात है, आपको काम क्या करना है जो ऑलरेडी आप कर रहे थे। टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ जी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें कोई टाइम बाउंड तो है नहीं। क्या चीज की दिक्कत है फिर? दिक्कत ये है कि वो थोड़ा सा जो पेपर वर्क करना है कि हमारी ये फर्म है और हम काम मांगने जा सकें, हम लोगों के पास बैठ के समझा सकें, आपको सोशल मीडिया से ये फायदा है, हम थोड़े से व्हाट्सएप्स बना बना के भेज सकें कि हम ये काम करते हैं, हम थोड़ा सा टैरिफ कार्ड बना सकें, बस इतना ही करना है। हर दुकानदार को जरूरत है, बड़ी बड़ी एजेंसी है, बड़ा पैसा कूट रही है, उनको देने की सामर्थ्य SME में नहीं है, वो आपको हायर करेगी क्योंकि वो 10,000-20,000 रुपए महीना तक देना चाहती है। आपका मजा है, आप SME 10-20 को रख लीजिए। आज लोगों को हर त्यौहार पे व्हाट्सएप FB डालना है, आज लोगों को बर्थडे एनिवर्सरी पे डालना है, हर जगह के लिए उनको इमेजेस चाहिए, हर चीज के लिए उनको वीडियोस चाहिए। इससे इजी प्रोफेशन कहां से लाओगे जिसमें महीने का बड़े मजे से 50,000 से लेके 2 लाख तक कमा सकते हो बिना किसी कष्ट के तकलीफ के? हाँ थोड़ा बाहर निकल के रिजेक्शन सहने की और लोगों के दरवाजे ठकठका के काम मांगने की प्रारंभिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जब तक आपका ब्रांड बिल्ड नहीं होता। तो सेकंड करियर सोशल मीडिया मैनेजर। थर्ड करियर इवेंट मैनेजर। साथियों हर घर में आज बर्थडे मनता है,
एक बर्थडे एक ठीक ठाक घर का कम से कम 10,000 का होने लग गया है। ऊपर का बर्थडे तो पूछिए मत कहाँ तक जाता है, लेकिन 8-10 हज़ार के नीचे आजकल बर्थडे नहीं मनाए जाते। उस बर्थडे में छोटे से डेकोरेशन होते हैं, कुछ थोड़े मोड़े गेम्स खिलाए जाते हैं, बच्चों की थोड़ी सजावट वजावट की जाती है, कुछ जो है सिर पे लगाने का दे दिए, कुछ बैंड्स दे दिए, कंसेप्ट सोचे जाते हैं। और जहाँ कंसेप्ट बर्थडे हो गए, कोई कार्टून कंसेप्ट, कोई फोक डांस कंसेप्ट, कोई फैशन शो कंसेप्ट, वो कंसेप्ट बर्थडे फिर 1-2,50,000 कहीं पर भी जा सकते हैं। इवेंट मैनेजर बन जाइए, कोई खास डिग्री नहीं चाहिए, यूट्यूब से सीख सकते हैं इवेंट कैसे मैनेज करते हैं। सिर्फ सामान्य ज्ञान चाहिए कि होटल कैसे बुक करते हैं, वहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम कैसे लगाते हैं, वहाँ बैलून्स कैसे डेकोरेट करते हैं। 4 लाख गेम यूट्यूब पे पड़े होंगे, इंटरनेट पे पड़े होंगे, वहाँ से गेम उठा लेना, वहीं से कंसेप्ट उठा लेना, बस अपना एक बढ़िया सा ब्रोशर बनाओ, 500 ब्रोशर बना लो, एक एक रुपए का एक एक ब्रोशर बनेगा, 2 रुपए का बनेगा, 4 रुपए का बनेगा, उसको उठाओ 500 घर में बांट आओ, शहर में पूरी डायरेक्टरी उठाओ, अपना मोबाइल पकड़ो, रोज का फोन लगाओ, हम बर्थडे पार्टीज अरेंज करते हैं, हम ये करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो कॉर्पोरेट पार्टीज कर लेना, किसी ऑफिस को अपनी कोई इवेंट करानी वो कर देना, और नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो शादियों जैसी कर लेना, और उसी के लेवल पे जाओगे तो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर लेना। लाखों करोड़ों अरबों तक जाया जा सकता है बिना डिग्री के इस काम में। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, डिग्री भी ले लो ताकि भाषा अच्छी हो जाए, ताकि दुनिया की समझदारी अच्छी हो जाए, ताकि किसी को जब विजिटिंग कार्ड दे सको तो उसको प्रभावित कर सको, और डिग्री लेने के बाद भी जाके कहीं पे नौकरी करने की जगह यदि अच्छी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं मिल पाए तो अपने मन के 1,000 काम तैयार हैं, घर पर बैठ के रोते रहो, नहीं तो रोते रोते कुछ होगा नहीं, माँ बाप पे बोझ बने रहोगे, जॉब ढूंढ रहे, रेज्यूम लगा रहे। अरे छोड़ो रेज्यूम, यह एंटरप्रेन्योर्स का देश है, एंटरप्रेन्योर बनने की सोचो। चौथा, यूट्यूबर बन जाइए। दिन में सबसे ज्यादा काम आजकल आप क्या करते हैं, मुकेश अंबानी जी को नमस्कार, जिसने महीने में 500 MB वाली जनता को दिन का 1 GB, 2 GB और 3 GB वाली जनता बना के धर दिया, और ये 1 GB में 50% कंजम्पशन या कह ले 70% कंजम्पशन वीडियोस का हो रहा है। अब आप यूट्यूब देखते हैं क्या नहीं है YouTube में, कोई आदमी एक मोबाइल खोल रहा है, उसके फीचर्स बता रहा है, उसमें उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। कोई आदमी डांस सिखा रहा है, कोई लेडी डांस सिखा रही है, कोई लड़की डांस सिखा रही है, उसमें उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। कोई मेकअप सिखा रहा है, उसमें उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। अच्छा गाना गा रहे हैं तो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एल्बम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, कवर सिंगर्स के। और एक एक अच्छा यूट्यूबर 50,000, 1 लाख, 3 लाख, बहुत बड़े हो गए तो 4-5 लाख, यहां तक लोग कमा रहे हैं सिर्फ अपना हुनर देके। अरे कुछ नहीं कर सकते, पसंद है ना सोशल मीडिया, इतनी जान है ना आपकी यूट्यूब, अरे यूट्यूबर बन जाओ, 6 महीना 1 साल 2 साल की मेहनत लगेगी, धीरे धीरे सेटल हो जाओगे। अगला करियर, ब्लॉगर बन जाओ। आज फूड ब्लॉगर्स होते हैं, फैशन ब्लॉगर्स होते हैं। फूड ब्लॉगर क्या करता है, किसी भी होटल में जाता है, रेस्तरों में जाता है, वहाँ के कुछ फूड के बारे में ब्लॉग लिखता है, बदले में होटल वाला उसको अलग पे करता है, उसको सम्मान अलग मिलता है, वो जिस डिश की तारीफ कर दे वो डिश चल निकलती है। फैशन ब्लॉगर्स क्या करते हैं, वो फैशन कंपनीज उनको स्पॉन्सर करती है, वो उनके कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़ों के बारे में लिखते हैं, नए फैशन ट्रेंड्स के बारे में लिखते हैं। ब्लॉगर जो आता है, कहानियाँ आती है ना, कहानियों को ब्लॉग कर दो। राजनीति पे लिख सकते हो ना, राजनीति को ब्लॉक कर दो। चुटकुले लिख सकते हो ना, चुटकुलों को ब्लॉक कर दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आज के युग में यदि अभी आपने नहीं कमाया तो आप सिर्फ मूर्ख हैं। बुरा मत माना, ही बहुत हार्ड लाइन कह रहा हूं, आप मूर्ख हैं, क्योंकि आज के दिन जितनी कमाने की अपॉर्चुनिटीज इतिहास में कभी पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि आज सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा रिसोर्स, सारा का सारा नॉलेज यूट्यूब पे उपलब्ध है। हर चीज के फ्री ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं, कुछ नहीं तो वही मोबाइल देख देख के दुनिया की जो चीज बनाना है वो सीख लो, जो करना है वो सीख लो। यदि अभी नहीं कमाए ना तो कभी नहीं कमा पाओगे। तो साथियों, आज के लिए इतने करियर बहुत हैं। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो पाटनी सर सही बोल रहे हैं, तो मैं आज आपसे कहता हूं, एक बार रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। और यदि आज ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता हो नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सारे करियर मेरे काम के नहीं, मेरे को तो और चाहिए, तो फिर आपको खूब सारे कमेंट करने होंगे और आपको ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करना पड़ेगा, ताकि हिंदुस्तान से बेरोजगारी नाम का शब्द पूरी तरीके से साफ हो जाए। तो मैं आपसे कहूंगा, उज्ज्वल पाटनी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और शुरू में कहना भूल गया था, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, लेखक, बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी।